सो हाय गाइस, आदर्श हियर। सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डू और डाई चैप्टर्स फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स के ऊपर। पिछली वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी फिजिक्स के ऊपर, 8-9 हज़ार बच्चों ने तकरीबन देखा है। और आज की वीडियो हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर होने वाली है। आज से लेकर काउंसलिंग तक के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब वो करके रख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनेट। अब डाउट सॉल्व करना हो गया बहुत आसान। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आती है, उस क्वेश्चन की फोटो खींचे, उसे क्रॉप करें और उसे सेंड करें, बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी। फिर चाहे आप अपनी होमवर्क कर रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो, या फिर आप जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबके सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। और डाउटनेट पे यार आप लोगों की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लाइव क्लासेस चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, एंड इट इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 3 करोड़ स्टूडेंट्स। तो गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन राइट नाउ फ्रॉम प्लीज। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ चीजें बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिलीटेड टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को करके जाना चाहिए 100%, तो वो टॉपिक्स होंगी वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स, कुछ नोट, जो पूरी सेशन में हमारी 8-10 मिनट की वीडियो होगी, उसके बाद जो एक समरी में बता दूंगा आप लोगों को। तो किसी भी चीज़ को मिस मत करना, है ना। सबसे पहली बात ये कि लास्ट 2-3 सालों में ये देखा गया यार कि जेई मेंस की जो पेपर होती है वो थोड़ी सी लेंदी आ रही है। लेंदी का मतलब ये है कि टाइम टेकिंग। और अगर आप मैथ के पेपर से स्टार्ट करते हो, क्योंकि देखो जो समय लेता है, बाद में इजी क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। सपोज फिजिक्स में कुछ इजी क्वेश्चंस आए, वो तुमसे मिस हो गए, ऐसा होता है जनरली। इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस आ रहा है तो टाइम टेक करेगा आपका। दूसरी चीज़ ये कि 2020 से पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, 2020 के बाद 25 क्वेश्चन आने लगे हैं। किसी चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछ दिए, किसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछ दिए। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो चुके हैं, इसीलिए 5 या 4 क्वेश्चन जनरली कम आता है ना। डिलीट हुए हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। यार 11th की भी आपकी टॉपिक डिलीट हुई है, 12th की भी टॉपिक डिलीट हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि इस बार जो बच्चे अभी जेई मेंस की एग्जामिनेशन देने वाले हैं या जेई एडवांस की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 11th की क्या टॉपिक डिलीट हुई है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं। जो बच्चे अभी 12th की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनकी 12th में कौन सी टॉपिक डिलीट हुई है, सिर्फ और सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। तो 11th जो टॉपिक डिलीट हुई है उसको हम लोग साइड कर देते हैं। 12th में जो टॉपिक डिलीट हुई है वो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और उन टॉपिक्स में से यार मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन डिलीटेड टॉपिक्स में से जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, पहले की जो डिलीटेड टॉपिक है वहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और वो और में रहेंगे। तो डिलीटेड टॉपिक्स में से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफर ऑपरेशन। अब इस चैप्टर अगर इस चीज़ को जो बच्चा अभी 12th का बच्चा छोड़ के जा रहा है वो बहुत बड़ा मूर्खता करेगा, इसे आप लोगों को करके जाना है। दूसरी चीज़ है डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और एक है हमारा सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कंसिस्टेंट है या नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा निहायत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में क्वेश्चन आती है यहाँ से, है ना। अगर मैं लास्ट 10-15 साल की बात बोलूँ तो 40-45 क्वेश्चन आए 15 साल में, अगर आप बोलो तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन होता ही होता है, इसे करना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन कर्व का क्वेश्चन करके जाना है। ऐसा होता है कि हाँ किसी क्वेश्चन में नहीं आती है, ऐसा हो सकता है कि किसी पेपर में या किसी सेशन में आपका क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर 10 पेपर होगी तो 10 में से कम 5 पेपर में इसकी क्वेश्चन रहेगी ही रहेगी, और बहुत लल्लू टॉपिक है तो इसे करके जाना है। उसके बाद यार डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने dx/dy + py = qu वाला जो फॉर्मेशन वाला जो एक होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, इसे इन्होंने हटा दिया है, पता नहीं क्या लॉजिक से हटाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना। उसके बाद 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिन जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे टिक किया है, ये वो टॉपिक्स है जो डिलीटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने किया है। अगर आप चाहो इसको करके जाओगे तो 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आप 3 तो बना ही दोगे, तो 12 नंबर कोई कम बात नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, प्रोबेबिलिटी में मीन वेरिएंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बायनोमियल से जो क्वेश्चंस बनते हैं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना, है ना। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टॉपिक्स है डिलीटेड टॉपिक्स में से वो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। यहाँ मैंने यार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डेटा को लिखा है। एक बात ध्यान रखना यार, 2019 से पहले क्वेश्चन सीबीएसई करती थी, 2019 के बाद मतलब एनटीए करने लगी क्वेश्चन, 18-19 से शायद एनटीए करने लगी है क्वेश्चन, है ना। तो दोनों का ही पूछने का तरीका, पूछने का पैटर्न थोड़ा बहुत अलग था। ऐसा हो सकता था कि 2015 में किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते थे और अभी उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, प्लस पैटर्न भी चेंज हो गई है। तो इसमें से कुछ टॉपिक में ऐसा हो सकता है आपको शॉकिंग लगेगी, भैया हर साल इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आती, शॉकिंग लगेगा आपको, है ना। सबसे पहली बात ये बहुत कम आदमी आपको बताएंगे, सबसे पहली बात तो ये कि मैथमेटिकल रीजनिंग प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स रिलेशन और एरिया अंडर कर्व। 1-2 साल पहले तक शायद मैं भी आपको बोलता कि ये 5 टॉपिक अगर आप कर लोगे तो ये 5 टॉपिक से आपके 5 या 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। बट नाउ 2020 का जो पैटर्न मैंने देखा है उसके हिसाब से ये 5 टॉपिक अगर आप करते हो तो आपके 3 या 4 क्वेश्चन ही आएंगे।
ये पांच टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तीन या चार। तो ये गलती मत सोच के जाना कि हाँ ठीक है भैया मैं छोटे छोटे पांच टॉपिक कर लेता हूँ और मेरे सात क्वेश्चन बन जाएंगे, ये गलती है। ये पांच टॉपिक करोगे तो तीन से चार क्वेश्चन आएगी, और लक अगर बहुत बढ़िया है, तुम्हारी बहुत अच्छी लक है, तो शायद पांच क्वेश्चन आ जाए। बहुत अच्छी लक, एक्सेप्शनल केस में होगा कि पांच क्वेश्चन आएगी, नॉर्मली तीन या चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन घट के 25 हो गए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, वो बात सही है, जैसे कि वेक्टर से मैंने लिखा है कि दो या तीन क्वेश्चन पूछी जाती है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से दो क्वेश्चन, वैसे ही लिखा है मैंने, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा अभी मैथ की प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं कर पाया है और अभी सोच रहा है कि मैं मार्च का अटेम्प्ट या अप्रैल का अटेम्प्ट अच्छा करना चाहूँगा, पिछले अगले दो तीन महीने के अंदर मैं मैथ का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और कौन से चैप्टर को मैं मस्ट करके जाऊँ, मेरे हिसाब से मैंने उसे स्टार मार्क किया है। उसमें से हमारा वेक्टर है, उसमें हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से पहले क्वेश्चंस कम आते थे, और यकीन मानो 2019-20 में मतलब बाहर आ गई है क्वेश्चन की, इतनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछी गई है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम गोज़ टू वेक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D जो है वो आपको करके जाना है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता था, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है यार, इनमें से कुछ टॉपिक्स बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, उसको यहाँ मैंने रखा है, जैसे कि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, लीप्स, पैराबोला, ये सब पसंद नहीं आता ज़्यादा। और सच बताऊँ तो जो आपकी जो जिसको आप लोग बोलते हो ना कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लीप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनमें से आपका स्ट्रेट लाइन और सर्कल ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ये सर। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन और सर्कल से मोस्टली इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। और आजकल क्या है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यार आपका प्रोबेबिलिटी के साथ मिला के क्वेश्चंस पूछी जाती है, बात समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, अगर आप चाहो तो इसको तो छोड़ सकते हो एग्जामिनेशन के समय, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या होता है, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए तो समझो कि आप मतलब दुनिया ब्रह्मांड के सबसे लकी इंसान हो, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन अगर आती है उसके आंसर को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो मतलब आंसर को डिफरेंशिएट करके ही आपको पता चल जाता है कि ठीक है क्वेश्चन में क्या है। तो आंसर से ही आपको पता चल जाएगा, चार ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर है आपका। तो बहुत ईजी चीज़ होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यार जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट 10 ईयर का एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इन टॉपिक से लगेगा कि एक क्वेश्चन भी नहीं आ रही एवरेज। और भैया सारे तो बोलते हैं कि एक एक क्वेश्चन तो हर बार ही आती है, दो क्वेश्चन आ जाती है, तीन क्वेश्चन आ जाती है। हाँ यार शॉकिंग तो है, लेकिन ये डेटा जो मैंने बनाया है अभी एक्यूरेट डेटा है, सारी जगह से मैंने लेके कन्फर्म करके ही बनाया है, बहुत रिसर्च करी तब जाके ये डेटा बनाया। जैसे कि सेट्स रिलेशन और फंक्शन है ना, तो सेट्स रिलेशन से 2018 तक क्या होता था कि एक क्वेश्चन तो पूछते ही थे, लेकिन 2018 के बाद जब से एनटीए वाले आए हैं तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पाँच टॉपिक का जो गुच्छा है, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स रिलेशन और एरिया अंडर कर्व, बहुत लल्लू टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, और सारे बच्चे पांच के पांच क्वेश्चन पहले सही करके आते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि पांच पहले आते थे पांच या सात, अब इनमें से कोई तीन टॉपिक को उठा के तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन दे देते, या फिर कोई चार टॉपिक को उठा के चार क्वेश्चन दे देते हैं, तो इन टॉपिक से तीन या चार क्वेश्चन ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्टार मार्क किया है, सेट्स रिलेशन, एरिया अंडर कर्व और हाइट एंड डिस्टेंस, तो इन टॉपिक्स को करना मत भूलना, क्योंकि ईजी है और स्कोरिंग है ना। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी और टॉपिक्स के बारे में मैंने दिखाई दिया है आप लोगों को, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और अंत में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार कि 2021 की एग्जामिनेशन जो होने वाली है, 2020 जो था तो था ही, लेकिन 2021 की एग्जामिनेशन बड़ा ही डिफरेंट लेवल का होने वाला है। पहली बात तो सिलेबस रिड्यूस, अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग सिलेबस रिड्यूस, ड्रॉपर्स इतने सारे हैं कि क्या ही बताऊँ, फ्रेशर्स भी हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन एक अलग ढंग से किस तरीके से हुई है नो वन नोज। कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी रियली हाई, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन आप लोगों के लिए होने वाली है। एक और बात, 2020 में अगर आपकी 140 मार्क्स में जितनी रैंक बनती, आई थिंक कि 2021 में आपको वही रैंक लाने के लिए 150 या 155 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्कोर 10 टू 15 मार्क्स मोर टू अचीव सेम रैंक। सो नाउ आपको समझ में आ रहा होगा यार कि क्या कॉम्पिटिशन है। राइट नाउ यू माइट बी थिंकिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया 10 या 15 मार्क्स ही तो ज़्यादा लाना है, लेकिन 10 या 15 मार्क्स का मतलब होता है कि तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आप अभी 50 क्वेश्चन बना पा रहे हो तो तीन या चार क्वेश्चन बनाना मतलब कि 54-55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो इजी नहीं होता है। 150 लाना आसान है, 180 लाना डिफिकल्ट होता है, समझे या नहीं समझे? 200 लाना किसी बच्चे के लिए आसान है, अगर 220 लाना टफ होता है। तो ये टफ चीज़ को आपको आने वाले दिनों में पार करना है। बाकी आपको मेरे से जो हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भैया मुझे इस चीज़ की वीडियो चाहिए या इस चीज़ की नोट्स चाहिए। अगर मेरे से हो सकेगा पॉसिबल तो मैं ज़रूर हेल्प करने की आपको कोशिश करूँगा। थोड़ा सा इररेगुलर हूँ मैं, मतलब आजकल मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे परेशान भी हैं इस चीज़ को लेकर कि भैया आप पहले रोज़ाना वीडियो डाला करते थे, अब नहीं डाल पा रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं यार, घर में भी थोड़ा उस हिसाब से भी नहीं चल रहा, जैसे पापा की एक्सीडेंट हो गई है और भी चीज़ें हैं कुछ, उसके कारण भी कुछ अलग भी कुछ काम मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ समय लग ही जाता है। पर ठीक है, मैं जैसे ही फिर कुछ दिनों में फिर से मैं रेगुलर हो जाऊँगा जब आपकी एग्जामिनेशन आएगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए प्लान करके रखी है जो कि मैं इन फ्यूचर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस तरीके से अभी तक प्यार दिखा रहे हैं प्यार दिखाएं, लोगों को शेयर करें, और चैनल हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यार। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ कि 200K हमारी हो जाए, आप लोगों की मदद से वो भी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।